अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह के टाइम का है। ये सुबह पोहा बनाई थी तो ये सुबह नाश्ता कर रही थी बेटे। भाई नाश्ता करके चले गए थे और हस्बैंड भी चले गए थे नाश्ता करके उस दिन। बेटा खाली सो रहा था अभी, तो इसके लिए मैं अकेले नाश्ता कर रही थी बेटे। ये चाय थी और ये पोहा थे, तो वही उसी का नाश्ता कर रही थी। ये सुबह के टाइम का था, 9:30 या 9:45 का टाइम था, खा रही थी। फिर उसके बाद में ये सब की थी, बर्तन थे, बर्तन घसी थी, ये सब गैस पोछी थी। ये कलसी ये दिखा रही थी, पानी लेके आया था नीचे वाले घर से बेटा मेरा, तो ये ना कलसी गिर गई थी सीढ़ी में, तो ख़राब हो गई, थोड़ा टिचुक गई थी। फिर गैस सफ़ा की थी, गैस घसी, गैस घस के सब पोछी। वो डब्बा दिखाई थी ना, तो वो आटे का डब्बा था, उसको शाम को है ना रात में धुल के रख दी थी, तो वही सूख गया था, तो ये देख रहे थे उसमें फिर आटा भर के रख दूँ, तो उसके लिए वो दिखा रही थी। फिर ये सब गैस घसी थी पूरा किचन ऊपर से, फिर उसका सब सफ़ा करके गैस वैस सब पोछ के फिर बर्तन घसी थी, ये दिखा रही थी। ये सब गैस पोछी थी, गैस पोछने के बाद में सब बर्तन घस वस के फिर उसके बाद में ना कपड़े धुली थी। हाँ, ये बर्तन घस रही थी, बर्तन घस गए थे, फिर कपड़े वपड़े मशीन में लगा रखी थी, फिर मशीन से सब कपड़े निकाल के उनको भी धुली थी, धुल के फिर फैलाई थी। हम लोग के इधर है ना ठंडी एक भी नहीं हो रही है अभी। और ये मेरा है ना दूसरा व्लॉग है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना। और ये सब गैस के है ना घसी थी, ये क्या बोलते हैं इसको, जाली गैस की थी, ये सब घसी थी। ये कलसी टिश की दिख रही है ना, तो अच्छा ना, ये मेरा मटका है ना, इसको रोज़ है ना उसको पानी भरती हूँ जब, तो उसको रोज़ घस लेती हूँ पहले, फिर घसने के बाद में फिर उसमें पानी भरती हूँ। लेकिन ये है ना बहुत दिन का हो गया है, तो इसकी वजह से ये काला काला दिख रहा है। बाकी सब मेरा मांस धो के सब में पानी वानी भरती हूँ। बर्तन घस गए थे मेरे, फिर ये गैस बेसन भी सब घस ली थी, बेसन घसने के बाद में उसको भी सब अच्छे से पानी से धुल ली थी। फिर ये सब बर्तन उठा के रख दी थी। मेरा क्या बोलते हैं इसको, किचन टॉप है ना थोड़ा छोटा है, तो इसकी वजह से ना बर्तन रखने की ज़्यादा जगह नहीं रहती है, तो बड़े बड़े पहले बर्तन घस लेती हूँ, फिर उसके बाद में छोटे वाले घस के फिर रख देती हूँ। ये गैस के प्लेटें लगा रही थी और ये सब मेरा किचन सफ़ा हो गया था। ये शाम के टाइम का है, तो शाम के टाइम में हरे मसाले का है ना गोश्त बनाई थी, चाय वाय पी ली थी, चाय का नहीं दिखाई थी। चाय पीने के बाद में फिर शाम के टाइम में ना कांदा काटी थी, ये दो कांदा ली थी, दो कांदा थे और आधा किलो गोश्त था, तो इसके लिए और ये 7-8 हरी मिर्ची थी, हरा धनिया था, 3 टमाटर थे, अदरक लहसुन पीस ली थी, तो इसके लिए उसको नहीं काटी थी, अदरक लहसुन पीस के रख ली थी। लाल मिर्ची की दाल बनाई थी ना, तो इसके लिए पहले लहसुन पीस ली थी, फिर अदरक डाल के लहसुन पीस के फिर रख ली थी। ये धुल लेंगी, धुल के कांदा, हरी मिर्ची और हरा धनिया ये तीनों चारों चीज़ें ना डाल के इनको पीस लूँगी। धुल ली थी अच्छे से, फिर ये पीसने के बाद में फिर है ना हल्दी भी इसमें डाल दी थी और जीरा डाल दी थी, तो इससे क्या है ना गोश्त वो जो हरा रहता है ना, तो गोश्त है ना काला नहीं होता है हरा मसाला डाल हल्दी डाल के पीसने से। गोश्त धुल ली थी तो वही दिखा रही थी, इसमें ना सिरका डाली थी सफ़ेद, वाई क्या बोलते हैं उसको, वाइट विनेगर, तो उसको थोड़ी देर डाल के ना पानी में डाल के रख दी थी, तो जितना उसका खून था तो निकल गया था सब। फिर ये 2 चम्मच के करीब तेल डाली थी, जब तेल हो गया था तो फिर ये गोश्त डाल दी थी। और ये 3 टमाटर थे छोटे थे, तो इसके लिए 3 टमाटर थे और ये गोश्त डाल के ना इसको भूनने के लिए छोड़ दी थी, थोड़ी देर भूनी थी। फिर उसके बाद में ना इसमें नमक डाल दी थी, नमक अपने हिसाब से डालना, नमक मैं अपने हिसाब से डाली थी। नमक डालने के बाद में ये गरम मसाला था, 2 तेज़पत्ता थे, 6 जीरा था, बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्चें, बस और कुछ भी नहीं डाली थी। और ये अदरक लहसुन डाल के फिर साथ में इसको भून डाली थी। और ये जो ने मसाला रखी थी ना पीसने, तो वो मसाला पीस के उसका कटोरा भी धुल ली थी। ये थोड़ा सूखा हरा धनिया डाल, सूखा धनिया डाली थी, उसको डाल के ना इसमें मसाला में डाल के इसको भी थोड़ी देर के लिए तल ली थी। फिर ये जो दही रखी थी, तो दही को भी है ना फेंट ली थी प्लेट में पानी डाल के, फिर उसका सब मसाला डाल दी थी धुल के। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। ये दही ये दिखा रही थी, देखो मसाला कितना अच्छा कलर आया था। मैं दही 4-5 चम्मच डाली थी फेंट के, फिर उसको अच्छे से है ना थोड़ी देर भून उसमें मसाले में ना वो कर दी थी, गैस सिलो रखी थी,
तो इसके लिए फिर जब ये हो गया था तो इसको है ना दूसरी तरफ रख दी थी, दूसरे वाले गैस में दाल हो गई थी, तो दाल को है ना पानी डाल के थोड़ी देर के लिए खौलाई थी। ये लाल मिर्ची की दाल थी, तो इसके लिए ये शाम के टाइम का था। वो भगोना जो दिख रहा है ना, तो उसमें चावल ये बन गए थे तो वो रखे थे। ये दाल थी, दाल थोड़ी गाढ़ी थी तो इसके लिए पानी डाल के उसको थोड़ा खौलाई थी। और इसका ना खाली लहसुन से बघार की थी और कुछ भी नहीं डाली थी इसमें। मैं हम लोग है ना लाल मिर्ची की दाल बनाते हैं ना, तो उसको खाली लहसुन से बघारते हैं तेल और लहसुन डाल के, और हरी मिर्ची की बनाते हैं तो फिर उसमें ज़ीरा और वो सब डाल के बनाते हैं। बाकी इसमें खाली लहसुन डाल के बघार देते हैं, अच्छी होती है। कभी इसकी भी वो दे, अगर अच्छी लगेगी तो फिर बताना, तो फिर डाल दूँगी वीडियो इसकी भी बना के। ये लहसुन है 5-6 काटी थी, तो वही लहसुन बघा हो गए थे तो उसमें डाल दी थी दाल में। और फिर है ना उस तरफ कुकर की सीटी आ रही थी गोश्त की, तो फिर वो अलग गोश्त इसमें छिट्टा पड़े थे तो इसको पोंछ के ना फिर इसमें रख दी थी। वो अलग गैस बंद कर दी थी, ये शाम के टाइम का दिखा नहीं रही थी, चाय पी थी फिर उसके बाद में लग गई थी। तो ये चाय के बर्तन थे, और ये जो सब निकले थे अभी, जो कब गोश्त वोश धुली थी और ये सब थे ना, तो वही सब बर्तन थे, तो उनको भी घस ली थी और ये सब घस के रख दी थी, धुल के रख दी थी सॉरी। धुलने के बाद में है ना इनको सब स्टैंड में लगा दूँगी। सब स्टैंड में लगाने के बाद में फिर आटा गूंद ली थी। आटा है ना ज़्यादा नहीं, 6-7 रोटी का गूंदने का था, तो इसके लिए 6-7 रोटी का आटा गूंदी थी। ये आटा है और इसमें भी बच गया था आटा, तो उसको निकाल के है ना रख दी थी। जितनी रोटी बनाने का था तो उतनी रोटी बना ली थी। फिर रोटी बनाने के बाद में आटा जौन बचा था तो फ्रिज में रख दी थी डब्बे में भर के। उस तरफ गैस भी बंद कर दी थी, गोश्त हो गया था तो गोश्त जब बंद गैस देख, ये गैस निकल गई थी इसके कुकर की, तो फिर देख रही थी गोश्त पक गया कि नहीं, तो गोश्त एकदम पक गया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, एक बार ट्राई करना ज़रूर, अगर अच्छी लगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। ये इसको थोड़ी देर है ना भून डाली थी और थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा था। दाल के साथ के लिए चाहिए था तो ज़्यादा गीला वो नहीं की थी, ग्रेवी नहीं बनाई थी, हल्का ही भूंजा भूंजा रखी थी। तो इसके लिए ना भगोने में डाल के इसका पानी, वो कुकर में पानी जम थोड़ा सा डाल के फिर इसको भी है ना भूनने के लिए चढ़ा दी थी। नमक चेक कर रही थी बराबर है कि नहीं, तो नमक एकदम बराबर था। फिर उसको दूसरी तरफ गैस में रख दी थी, आटा गूंथ गया था तो फिर 5 मिनट आटा के लिए रख दी थी। फिर आटा जब बराबर हो गया था तो फिर रोटी भी बना ली थी। रोटी वोटी बनाने के बाद में ना शाम के टाइम का था, खाना नहीं खाए थे सब अभी नीचे थे, फिर जब आ गए थे तो फिर सब जन बैठ के साथ में खाना खाए थे। ये रोटी ये बना रही थी, रोटी वोटी बनाने के बाद में फिर हाँ कुछ और दूसरा काम था तो वो भी की थी। ये सालन है दिखा रही थी, सालन हो गया था, ये देखो बंद कर दी थी, सब सफ़ा करके एकदम बराबर कर गैस वैस सब पोंछ दी थी उस तरफ का। फिर रोटी बना रही थी ना तो रोटी दिखाई थी, ये देखो खाली 4-5-6 रोटी खाली डाली थी बस, इससे ज़्यादा नहीं डाली थी। फिर उठा